अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होगा। तलाक को घुमाने रखे दोस्तों, पीछे जो प्लाट है यहीं से मैं खरोशों के लिए डाइट ले आया, थोड़ा मैंने भर लिया ये सारा डाइट है, ये दात्री के साथ मैंने सारा कुछ उतार लिया। चलो चलते हैं ऊपर, डाइट डालते हैं सबको, सीधा ऊपर जाकर डाइट डालते हैं, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खड़ा होगा, सुबह डाला था कब दोपहर का समय होता है, दोपहर की डाइट डालते हैं जाके। चलो चलते हैं। और मौसम भी दोस्तों काफ़ी प्यारा हुआ हुआ है, बारिश हल्की हल्की हवा चल रही है और ठंडा ठंडा मौसम है, काफ़ी प्यारा मौसम है। काफ़ी बड़ा ऊपर ले आया उसको, यहाँ पर रह लेते हैं इस तरह से, खरगोशों को डाइट डाल लेते हैं सबसे पहले तो। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? अरे इतने कम कम क्यों है, बस 3-4 ही रहेंगे, बकाया किधर है? मेरे ख्याल से अंदर होंगे, अंदर अंदर भी नहीं है दोस्तों। काफ़ी दिन हम चेक भी नहीं किया, बच्चे वगैरह दिए हैं कि नहीं, और आज चेक भी कर लेते हैं। मुझे खरगोशनी काफ़ी पतले पतले भी लग रही है, ये वाली हमारी ब्लैक खरगोशनी। वैसे इतने खरगोश कम क्यों है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, लेकिन 10 को थे बकाया दोस्तों, हमने दे दिए थे। यानी मेरे कुछ सब्सक्राइबर आए थे, उनको मैंने दे दिए, मैंने वीडियो नहीं बनाई उनकी, उनको दे दिए, कहा था भाई हमें दे दो अगर आपके देने, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता, इसलिए मैंने उनको दे दिया, वो ऐसे ले लें बकाया क्या। चलो दोस्तों आ जाते जाके हम बच्चे भी देखते हैं दिए हैं कि नहीं रैबिट ने। ये क्या हो गया? वैसे ये रैबिट यहाँ पर मरा हुआ पड़ी क्या? और ये तो मरा हुआ पड़ा है, इसको यहाँ पर खिला दिया है। और ये है भी मेल दोस्तों, ये हमारा मेल रैबिट है और ये तो एक्सपायर हो गया, ये पता नहीं कहाँ है। बिलाल भाई, भाई को बुलाते देख के आते। बिलाल भाई ये क्या हुआ है? ये ऐसे कैसे मर गया यार? दोस्तों बिलाल भाई बता रहे कि सुबह जब मैं ऊपर डाइट डालने आया था ना बिलाल भाई, तो ये अंदर मरा हुआ पड़ा था। रात तो रात दोस्तों अचानक ही हो जाते, इसको मोशन वगैरह भी नहीं थे अचानक ही दोस्तों। मुझे तो लगता है गर्मी भी रहते, गर्मी भी इतनी, आप देख सकते भाई ठंडा ठंडा मौसम। मैं कल से ऐसे ही ठंडा ठंडा मौसम, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी सुबह सुबह, अचानक क्या हो गया दोस्तों? तो मुझे इसलिए मैं देखता, क्योंकि सुबह टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, जैसे मैं ट्यूशन आता हूँ तो सबसे ज़्यादा ऊपर आता हूँ, तो लाभे बता रहे कि सुबह मैंने देखा तो ये मरा हुआ पड़ा था। लाभे कहाँ से उठाया था? दोस्तों कह रहे अंदर पड़ा हुआ था। दोस्तों मैंने ये कल सारा धोया भी था अच्छी तरह, पानी साफ सुथरा गया था, कोई वायरस वगैरह हो तो वो भी निकल गया अच्छी तरह, सारा धोया था, यहाँ पर डिटोल भी मार दिया था यार, उसके बावजूद भी दोस्तों एक एक्सपायर हो गया। जब मैं कहूँ उतने कम कम क्यों लग रहे हैं? और ये दोस्तों हमारी ब्लैक खरगोश भी माशाल्लाह से ठीक है। बुलाबे खरगोश मरा है ना? हाँ जी, हाँ भाई बुलाबे बता रहे खरगोश ही मरा है। और यहाँ पर हमारे खरगोश पहले कम था, हमारे पास दो खरगोश रह गए। जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको सारा सिचुएशन बताते हैं कैसे हमारे खरगोश मर गए। पिछले दिन दोस्तों दो हमारे खरगोश एक्सपायर हो गए थे, अब एक और मर गया। तो करते हैं कुछ दोस्तों, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप लोग गर्मी से मर रहे हो और हमारे इन चूज़ों की डाइट भी ख़त्म हो गई है, ये भी लेके आनी है, लेके भी आनी है। और देखते हैं लास्ट में मार्केट आती है, वहीं से हम मुर्गा भी पूछ के आएंगे इंशाल्लाह। ला भाई आपने साथ जाना है? तो यार चलते हैं सीधा मार्केट और डॉक्टर के पास, खरगोशों को डाइट थोड़ी और डाल देते हैं यार। हाँ यार थोड़ी और डाल लेते हैं, भूख इनको काफ़ी लगी है, आप दे सकते हैं पानी वगैरह, पानी तो इसमें है नहीं, तो बहुत थोड़ा पानी है दोस्तों। आप ये सब वाइट वाइट क्या है? ये इसके अंदर आटा है, ये बहुत शौक से पानी पीते हैं आटे वाला, मुझे किसी ने मशवरा दिया था ये ऊपर पुराव, ये ठंडा होता है इसलिए थोड़ा सा आटा मैं डाल देता हूँ उसके अंदर, तो इस तरह से पानी काफ़ी है। चलते हैं दोस्तों सीधा मार्केट, आज भी लाभ भाई ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ी सी रोटियाँ लेके आया हूँ अभी मुर्गियों को डालने के लिए, मुर्गियाँ मेरी इधर है सारी, और थोड़ी सी ऊपर जमी हुई है पेड़ों पर भी, पर इसमें थोड़े निकाल देते हैं। चलो ये सारे ये इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन इनको इतना ही डालता हूँ ऊपर चलता हूँ, जंगली पिंजरों को डालता हूँ वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। ऊपर आया था ये, यहाँ पर कबूतर बैठा था, ये देखो आपके सामने कबूतर बैठा हुआ है, आपको आप साफ जो दिखाता हूँ, ये देखा सामने बिल्कुल कबूतर बैठा हुआ, मेरा ट्रैप तो गिरा हुआ है दोस्तों, छत पे कबूतर फाइनली आ गया, अब मैं ज़रा सा भी हिला इसने उड़ गया ना, मुझे पता है ना, तो मैं ऐसे ऐसे कोशिश करता हूँ इसके पास जाने की, तो मैं जैसे कैमरा मूव कर रहा हूँ तो ये भी
उड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं था पता वो कबूतर बैठा है। अचानक मैं आ गया, मैंने रोटी का डब्बा पीछे रख दिया और मैं ऊपर आया, ऊपर बाजरा भी नहीं है और ये क्या खाने आया फिर, तो इसको कैसे पकड़ूँ, मेरे पास तो कोई चीज़ भी नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसके पास जाने की, दुआ करना बस उड़े ना। ऐसा जाता हूँ, ओ गया यार ये जैसे उड़ के ये अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। चलो जी जैसे उड़ गया भाई, क्या है थोड़ी सी भी झलक देर से उड़ जाता है। चलो खैर मैं भी जाता हूँ मार्केट, बाजरा भी लेके आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी रोटियाँ थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर और थोड़ी सी इधर डाल देते हैं। चलो दोस्तों मैं इसलिए खिला के डालता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सारे काग आगे बैठ जाते हैं, इसलिए वो छोटे पिंजरों को नहीं खाने देते, तो यहाँ पर खा देते हैं। और यहाँ पर मैं इसलिए डालता हूँ कि एक छोटी सी गिलहरी आती है वो यहाँ से खा के जाती है, इधर से आती है इधर से पीछे से। चलो नीचे चलते हैं, कबूतर के लिए भी दाना ले आते हैं, दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया और मुर्गियों के लिए भी नहीं गए। चलते हैं सीधा मार्केट, और मार्केट भी जाना है, लाइब्रेरी की दवाई भी लेके आनी है, और चलते हैं फिर नीचे सीधा वहीं पर। कबूतर तुम्हारे लिए मैं लेके आना, दाना तो यहीं पर बैठा रहना है। डाल डाल उनको इतनी भूख लगी, सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो अभी इनको थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये देख मैं आपको अंदर पहले दिखाता हूँ, देखो सारा ख़त्म हो गया बिल्कुल, ये बस ताज़ा डाल दिया अभी ताज़ा डाइट खा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इनको बाहर छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, ये जब बाहर मैं सोच रहा हूँ निकालू को नहीं, अगर मैं इनको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये हाथ नहीं आएंगे। चलो दोस्तों दो दिन तक मैं इसको ट्रेन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा, आज नहीं इनको खोलेंगे कल छोड़ेगा, फिर धूप भी या शाम तक इनको खोलते हैं भाई, वो ट्रेन करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि खुद जाए और खुद ही बाहर। अभी फिलहाल जाते हैं बाजार, बाइक नहीं है, बाइक मेरा बराबर लेके गया हूँ, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ दाना लेने और डॉक्टर के पास, फिर हम शाम तक चले जाएंगे, शाम तक मेरा बराबर वापस आ जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजरा लेने मुर्गियों का, तो शाम तक फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, अभी सीधा चलते हैं दुकान पर। लेके आ गया बाइक, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं डाल देता हूँ थक गया हूँ, सबसे पहले अपनी मुर्गियों को डाल लेता हूँ। और ऊपर दोस्तों मैं एक्सेंट डालूंगा, ऊपर वापस से ट्रैप लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा ये आपको अगले दो में पता लग जाएगा कि मैंने कबूतर पकड़ा है कि नहीं, और हम डॉक्टर के पास जाएंगे इन अगले ब्लॉग में। जैसे दोस्तों आज की हमारी वीडियो अगर सब्सक्राइब लाल नहीं कर देना, मैं इन शाला कल अरे जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थक काफ़ी जगह दोस्तों, काफ़ी दूर दुकान थी, और ये मेरी मुर्गियों को मैंने दाना डाले, थोड़ा सा और डाल लेता हूँ यहाँ से ले लो।